थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माननीय संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस रेल बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, सरकार की ओर से मंत्री जी का बयान आया कि निजीकरण रेलवे का नहीं किया जाएगा, और उनकी ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि ये सरकार देश के निजी कंपनियों और पूंजीपतियों के लिए गाने की एक लाइन गाती है कि बताना भी नहीं आता, छिपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। निजीकरण करना भी है और मना भी करना है। आपने कहा निजीकरण नहीं करेंगे, 109 प्राइम रूट्स पर आप 150 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं, देश के 50 रेलवे स्टेशंस को आप निजी हाथों को देने जा रहे हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपने निजी हाथ को दिया, वहां की हालत जाकर पता कीजिए मान्यवर, वहां पर 50 रुपए मोटरसाइकिल रखने का लगता है, वहां पार्किंग के लिए 150 रुपए कार का देना पड़ता है। आपने प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए का कर दिया, पैसेंजर ट्रेन का 3 गुना किराया बढ़ा दिया। जब आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत हास्यास्पद तर्क देते, कहते कोरोना के समय में पैसेंजर ट्रेन में भीड़ ना हो इसलिए किराया हमने बढ़ा दिया। पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ाया, बोले कार ना चलाने पाए, मोटरसाइकिल ना चलाने पाए। डीजल का दाम क्यों बढ़ा दिया, माल की ढुलाई ना होने पाए। अरे गैस का दाम क्यों बढ़ा दिया, लोग खाना ना खाने पाए। यह आपका तर्क है। देश में कोई भी चीज महंगाई बढ़ाने के लिए आप एक नया हास्यास्पद तर्क लेके आते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। निजीकरण आप कैसे कर रहे हैं, मेंटेनेंस के क्षेत्र में निजीकरण, सफाई कार्यों के क्षेत्र में निजीकरण, फैक्ट्री और उत्पादन के क्षेत्र में निजीकरण, सिग्नल के क्षेत्र में निजीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में निजीकरण, रेलवे में मजदूरों की सरकारी कर्मचारियों की संख्या मान्यवर 1974 के स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के आंदोलन में रेल हड़ताल में 17 लाख कर्मचारी होते थे, जब ट्रेनें कम थी, जब यात्री एक जगह से दूसरे जगह कम यात्रा करते थे। आज 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान रेलवे के माध्यम से जाते हैं, और आज आपने कर्मचारियों की संख्या पहुंचा दी 12,26,000, 17 लाख से घटा के 12 लाख। यह निजीकरण के कारण हुआ, हर क्षेत्र में निजीकरण के कारण हुआ। और अब आप तो एक नया तरीका लेके आ गए हैं, लेटरल एंट्री। आईएएस भी आप लेटरल एंट्री के जरिए बना रहे हैं, 39 आईएएस आपने लेटरल एंट्री के जरिए बनाए, और जिसमें आरक्षण के नियमों की एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया आपने। और निजीकरण जो आप रेलवे में लेके आ रहे हैं, इसके पीछे आपकी सबसे खतरनाक मंशा है, एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करने की आपकी योजना है। यह मूल मंशा आपकी है मान्यवर। खुद आपने माना है कि 21.6% माल की ढुलाई लॉकडाउन के दौरान रेल के माध्यम से ज्यादा हुई, यानी रेलवे के कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और उस लॉकडाउन में काम करने के कारण कई कर्मचारी जो कोरोना योद्धा जिनको आप कह सकते हैं उनकी जान भी गई। 50 लाख रुपए मुआवजा कर्मचारी संगठन मांग करते हैं, 20 लाख रुपए मुआवजा आपने दिया, फिर उसको बढ़ा के 35 लाख किया, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, रेल के जो कर्मचारी इस कोरोना काल में जिनका जीवन गया। और कोरोना काल में मान्यवर 2.5 करोड़ की आपकी क्षमता एक जगह से दूसरे जगह यात्रियों को पहुंचाने की प्रतिदिन की है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से रो रो के ट्रेनें चलाई गई, किस तरीके से लोगों को तरसाया गया ट्रेनें चलाने के नाम पर, और 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाती हैं, 80 लोगों की जान चली जाती है। मुजफ्फरपुर के स्टेशन का वो दृश्य आज भी हम लोग नहीं भूल पाते, एक माँ के ऊपर से उसका छोटा बच्चा आंचल हटा रहा था, उसकी माँ। संजय जी कंक्लूड करिए। संजय जी बस खत्म कर रहा हूं मान्यवर। मान्यवर अंत में सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके रेलवे कर्मचारियों को निजी हाथों में मत दीजिए। यह एक बहुत बड़ा सेक्टर है,
जहां से रोजगार भी मिलता है और जहां गरीब आदमी को एक भरोसा होता है कि हम सस्ते में दामों में यात्रा कर पाएंगे, सस्ते किराए में यात्रा कर पाएंगे। जिस दिन आप इसको निजी हाथों में देंगे, कर्मचारियों का तो आप आरक्षण के तहत उनकी नौकरियां खत्म करेंगे, एक बात है, और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफें और उनकी यात्राएं, उनकी दुश्वारियां बढ़ेंगी। अंत में कुलियों की बात यहां पर आई, इस देश के कुलियों के लिए एक योजना बहुत पहले लाई गई थी कि उनके परिवार के लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, उस पर पुनर्विचार कीजिए, उस पर फिर से एक बार सरकार निर्णय ले। जो दिन भर मेहनत करते हैं स्टेशन पे, अब माल ढुलाई करते हैं, उनके बच्चों को नौकरी का आरक्षण देने की योजना बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय दुष्यंत गौतम जी। माननीय दुष्यंत गौतम जी, प्लीज।